हर हर महादेव। से हमें अंदर जाना है नागेश्वर टेम्पल के लिए, तो चलते हैं। और ये आपको शिव जी की बड़ी सी प्रतिमा यहीं से दिख रही होगी। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। और आज हम आए हैं 12 ज्योतिर्लिंगा में से एक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, और ये है गुजरात के द्वारका में। और लगभग द्वारका से नागेश्वर टेंपल की दूरी जो है वो 17 किलोमीटर है। आपको बस और ऑटो टैक्सी सब कुछ मिल जाएगा आने के लिए, और रिजनेबल चार्जेस है, कोई ज़्यादा चार्जेस नहीं होते। चलिए अब हमारे साथ हम आपको भी दर्शन कराते हैं नागेश्वर महादेव। तो गैस ये मंदिर है, और ये मंदिर के बाहर सामने स्टॉल वगैरह इधर खाने पीने का है, तो आपको सब कुछ। तो ये है एंट्रेंस, और अभी हम चलते हैं मंदिर के अंदर। और ये है महादेव जी की बड़ी सी प्रतिमा। मंदिर के अंदर आ गए, और मूर्ति इतनी बड़ी है कि ये वीडियो में भी नहीं आ पा रही है, देखो। और हमने ना इतना इतना बड़ा जब शिव जी की मूर्ति पहली बार देखी है। तो अभी हम जा रहे हैं अंदर दर्शन करने, देखते हैं अंदर कैमरा या फोन अलाउड है या नहीं है। तो अगर होगा तो हम अंदर का भी ये वीडियो लेंगे, अदरवाइज फिर हम बाहर आके आपसे वापस मिलते हैं। बाहर से अंदर आने का रास्ता है एंट्री, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि नागेश्वर मंदिर में नाग और नागिन का जोड़ा चढ़ाने का महत्व माना जाता है, इसलिए यहाँ पे गंगा जल से अभिषेक होता है। और यहाँ सामने से आपको सारी की सारी चढ़ाने के लिए वो मिल जाएगी, और सामने महादेव जी का मंदिर है, तो आप यहाँ से दर्शन कर सकते हैं। और ये माता रानी, यहाँ से हम प्रसाद लेंगे अपने लिए और कुछ अपने दोस्तों के लिए भी। अभी हमारे दर्शन पूरे हो गए, और दर्शन बहुत अच्छे रहे, भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी, तो दर्शन इजीली हो गया हमारा। और अभी हम मंदिर के बाहर हैं, और ये पीछे हमारे शिव गौरी परिवार का एक छोटा सा मंदिर है, साथ में शनिदेव जी का मंदिर है यहाँ पर। और अब हम चलते हैं मंदिर की परिक्रमा करने, और इसी के साथ में जो इस मंदिर की, इस ज्योतिर्लिंग की स्टोरी है बहुत इंटरेस्टिंग है, तो मैं आपको साथ में वो भी बताता हूँ। और अभी हम चलते हैं दर्शन करने, उसी के साथ में आप स्टोरी भी सुनना। स्टोरी कुछ ऐसी है कि दारुका और दारुक नाम के राक्षस और राक्षसनी इस जंगल में रहा करते थे, और दारुका को वरदान था कि वो इस जंगल को कहीं भी उड़ाकर ले जा सकती है। तो जब इनका आतंक जंगल में बहुत ज़्यादा हो गया और इन्होंने बहुत लोगों को मारा, तो जंगल में रहने वाले जो लोग थे वो ऋषि औरव के पास गए, और ऋषि औरव ने उनको श्राप दिया कि अगर वो इस पृथ्वी पर कहीं भी युद्ध करेंगे धरती पर तो वो मर जाएंगे। और इसी के साथ फिर जो दारुका थी वो इस जंगल को उड़ा कर ले जाती है समुद्र के बीचों बीच, और वो लोग वहाँ रहने लगते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है कि जब कुछ नाव पे लोग जा रहे होते हैं तो वो उनको बंदे बना लेते हैं, और उसी में एक शिव भक्त होता है जिसका नाम सुप्रिय होता है। वो दारुका के कारागार में रहने के बाद भी वहाँ पे शिव जी की भक्ति करता है, और इस जब उसका राक्षस उसको मारने के लिए जाते हैं तब शिव जी उसको बचाने के लिए स्वयं प्रकट होते हैं और उन राक्षसों का नाश करते हैं। और साथ में वहाँ रहने वाले लोगों के लिए शिव जी स्वयं इस जंगल में ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित होते हैं, और शिव जी के स्वयं के अनुसार इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पड़ा।
और ये हमारे भोलेनाथ और ये सामने नंदी महाराज। और अब हम आपको पास से दिखाते हैं चल के। ये ऊपर आप देख रहे होगा, ये बनाया हुआ है कबूतरों के लिए रहने का। और अभी हम आ गए हैं प्रतिमा के नीचे, बहुत बड़ी है। अभी हम इस बड़ी सी मूर्ति के साथ परिक्रमा कर रहे हैं, जैसा कि सभी लोग करते हैं। और बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा सब कुछ। और जगह भी काफ़ी अच्छी है, शांत है, आप यहाँ के बैठ सकते हैं, अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं बिल्कुल। और हमें बहुत तो ही अच्छा लगता है देखते सही में। हमने तो पहली बार इतनी बड़ी शिव जी की प्रतिमा देखी है, मतलब सीरियसली, है ना तुमने? हाँ, पहली बार देखी। हनुमान जी की तो आपको मिल जाती है 108 फीट ऊंची, और बहुत सारी जगह पर है, बट शिव जी की जहाँ पर काफी बड़ी है, हरिद्वार में भी है ऐसी मूर्ति, तो जो लोग हरिद्वार गए हैं उनको पता होगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, भूलना नहीं है, जरूर करें। और अभी बहुत सारी वीडियोस आएगी चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। हर हर महादेव।